नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IT ज्ञान। दोस्तों, चैट GPT के बारे में आप सभी को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई होगी, ये उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये क्या बला है। तो जिनको ये चीज़ पता है वो बहुत ज़्यादा इस चैट GPT को यूज़ कर रहे हैं। ये एक AI टूल है जो आपके सारे काम बहुत आसानी से कर देता है, तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो सिर्फ मोबाइल से काम करते हैं, जिनके पास एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं, Instagram पे कंटेंट क्रिएट करते हैं या और भी बहुत सारे काम करते हैं, इवन ब्लॉगिंग भी करते हैं, फिर भी वो सिर्फ मोबाइल से ही करते हैं, उनके पास एक कंप्यूटर नहीं है। लेकिन जब चैट GPT आया तो बहुत सारे लोग इसे यूज़ करने लगे, वो भी इसे यूज़ करने लग गए। लेकिन उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि अगर इसकी एक कोई ऐप होती तो उनका काम थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में बार बार ब्राउज़र में जाके चैट GPT को यूज़ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन उनके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ये है कि अब OpenAI ने अनाउंस किया है कि एंड्रॉयड पर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एप्पल के आईफोन पे ऐप स्टोर पर पहले से ये ऐप अवेलेबल है, तो वहाँ पर तो ये पहले से थी, लोग इसे यूज़ भी कर रहे थे, लेकिन एंड्रॉयड पर नहीं थी। तो अभी OpenAI ने अनाउंस किया है कि आपको चैट GPT की ऐप एंड्रॉयड पर के प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी, अमेरिका के बाद भारत, बांग्लादेश और ब्राज़ील, इन चार देशों में। तो इन चार देशों में अगर आप रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको चैट GPT की ऐप अब आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डाउनलोड करने के लिए जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, चैट GPT लिखेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिलेंगे चैट GPT के नाम से, क्योंकि इस नाम से बहुत सारे दुनिया भर के ऐप यहाँ पर पहले से अवेलेबल हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, डाउनलोड करने के टाइम पे आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है जो OpenAI की तरफ से हो। OpenAI कंपनी का नाम है, उन्होंने ही चैट GPT को बनाया है, उनका ही ये प्रोडक्ट है, तो आपको उस ऐप को ही डाउनलोड करना है। और अगर आप उनमें से हैं जो लैपटॉप पे अभी तक काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चैट GPT का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मोबाइल पे आ गया है तो आप वही काम अपने मोबाइल पर भी यूज़ करें और जो पहले कर चुके हैं वो सब भी श्रिंक हो जाए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक चैट GPT की ऐप डाउनलोड कर लेनी है और उसको उसी ID से लॉगिन करना है जिस ID से आपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र पर अपने डेस्कटॉप पर या फिर लैपटॉप पे लॉगिन किया है। तो अगर आप सेम ID से लॉगिन करेंगे तो आपको वो डाटा भी आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, और फ्यूचर में जब आप एक जगह पे काम करेंगे तो दूसरे डिवाइस में वो डाटा श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों तरफ ये डाटा श्रिंक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशखबरी और ज़्यादा अच्छा उन लोगों के लिए लग रहा है जो सिर्फ मोबाइल पे काम करते हैं और इस ऐप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर ये ऐप आ जाए, मोबाइल पे ऐप आ जाए चैट GPT की, तो उनका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब आपके लिए ये ऐप आ गई है, आप इसे इंस्टॉल करिए। और मैंने आपको बता दिया है कि इंस्टॉल करने के टाइम आपको ध्यान देना है आप कौन सी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। चैट GPT लिखेंगे तो बहुत सारी ऐप आएंगी आपको प्ले स्टोर में, आपको इंस्टॉल करना है OpenAI की तरफ से दिया गया ऐप, क्योंकि वही एक ऑफिशियल ऐप है और वही एक अच्छे से काम करेगा। अदरवाइज आप दूसरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेगा और फिर कहेंगे कि हमने गलत जानकारी आपको दी। हमने गलत जानकारी बिल्कुल नहीं दी, आपको सही जानकारी दी है। अगर आप भारत, बांग्लादेश, ब्राज़ील या अमेरिका में रहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, OpenAI की तरफ से दिया गया ऐप को, और उसे यूज़ कर सकते हैं। आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आपके ब्राउज़र में, डेस्कटॉप में काम करता है। और आपको बता दें कि ये हिंदी को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। अगर आप हिंदी में कोई सवाल जवाब करेंगे या कुछ कंटेंट लिखने को कहेंगे, कुछ भी आप काम करना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है, हिंदी को भी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि अगर आप मोबाइल यूज़र हैं और चैट GPT ऐप का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार खत्म हुआ और आप इसे यूज़ करिए, इंस्टॉल करिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।